अदालत ने दिलाया चित्रकूट बिहारी जी को जमीन पर कब्जा। नगर पालिका परिषद ने लगभग 30 साल पहले 7 दुकानों व सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाकर किया था कब्जा। निर्मोही अखाड़ा तिराहे पर सरयू नदी के किनारे की है बेशकीमती जमीन। सर्वराहाकार महंत दिव्य जीवन दास को सुपुर्दगी में मिली जमीन। भगवान की लीला अजीब है। श्री चित्रकूट धाम में जहां एक ओर यज्ञवेदी मंदिर जमानत पर चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ शुक्रवार को अदालत के आदेश पर कोर्ट के अमीन ने निर्मोही तिराहा पर सरयू नदी के किनारे की लगभग 4 विसवा व्यवसायिक जमीन को खाली कराकर महंत दिव्य जीवन दास महाराज को सुपुर्द किया। लगभग 30 साल पहले निर्मोही अखाड़े के पास सरयू नदी के किनारे लगभग 4 बिसवा से कुछ ज्यादा जमीन पड़ी हुई थी, जिस पर एक पूर्व अध्यक्ष ने जबरन कुछ दुकानें व एक सुलभ कॉम्प्लेक्स बना लिया था। इस मामले को लेकर वर्तमान महंत ने अदालत की शरण ली। लगभग 3 साल तक चली सुनवाई में अदालत ने माना कि नगर पालिका ने जबरन भगवान की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। पिछले दिनों अदालत ने भगवान के पक्ष में फैसला दे दिया। फैसले को लेकर दुकानदारों में रोष भी दिखाई दिया। दुकानदारों ने इस बात को लेकर नगर पालिका परिषद को तमाम लानत मनालत भेजी। शुक्रवार को अदालत के आदेश पर पुलिस सुरक्षा के साथ कोर्ट अमीन ने आकर जेसीबी की सहायता से 7 दुकानों व सुलभ कॉम्प्लेक्स को गिरवाकर सर्वराहकार महंत दिव्य जीवन दास के सुपुर्द कर दिया। महंत दिव्य जीवन दास महाराज ने कहा कि उन्होंने भगवान की तरफ से मुकदमा लगभग 30 साल तक लड़ा, जीत सत्य की हुई है। राहुल गांधी 2 बार खा चुके हैं लौकी की बर्फी। ध्वस्त की गई दुकानों में एक मिठाई व नाश्ते की दुकान दिनेश कुमार मोदनवाल की भी थी। इस दुकान में 2 बार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आकर लौकी की बर्फी खाई थी। दिनेश ने बताया कि वह यहां से राहुल गांधी के पास कई बार लौकी की बर्फी भेज चुके हैं। उन्होंने कहा कि नगर पालिका ने उनके साथ छल किया है, जब उनकी जमीन नहीं थी तो हमें क्यों दी गई थी। केशवदास महल की जमीन थी, उस पर नगर पालिका तात्कालिक निवासी ने नगर पालिका ने कब्जा कर दिया था, दुकानें बना दिया था। न्यायालय में काफ़ी दिनों तक वाद लंबित था और माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार ये ठाकुर चित्रकूट बिहारी के लिए फैसला हुआ। आज हिजरा के माध्यम से न्यायालय के आदेश के अनुपालन में इसको और इसको खाली कराया जा रहा है। माननीय न्यायालय के द्वारा ये जो है कार्यवाही की जा रही है। कितनी दुकानें थीं इसमें? करीब करीब 7-8 दुकानें और एक कम्प्लेक्स भी था, इसमें लाइटिंग वगैरह भी था। पूरा खाली नगर पालिका से उनका मुकदमा चल रहा था, नगर पालिका मुकदमा हार गई, उन्होंने अपनी जमीन खाली करा लिया, बस इतना है। कब किया था मुकदमा उन्होंने? 1990 से मुकदमा चल रहा था। तो नगर पालिका हार गई? नगर पालिका 2018 में हम मुकदमा हार गई। तो इसको कौन साफ करा रहा है? ये दिव्य जीवन दास जी कोर्ट के आदेश के। क्या नाम है आपका? दिनेश दिनू। कितने लोगों की दुकान थी यहाँ पर? 7 लोगों की। तो क्या हम लोगों का कैसे काम चलेगा? अब हम लोगों क्या बेरोजगार हो गए हम लोगों क्या? वधु सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधु सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर मंडी चौराहा मथुरा।